जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, एक दो बीवी, सात बच्चे और इनको लॉन्डी की भी तमन्ना है और शादियां करने की भी तमन्ना है। बिल्कुल एक सेक्स मेनियक की तरह ये इंसान है इलियास शराफुद्दीन साहब, जिनका मुंह नहीं है, असल में गटर है, गटर। और आप लोगों ने वो सबूत देखा है उनकी वीडियोस देख के। असल में ये नीचे से नहीं हकते हैं, ये मुंह से भी हकते हैं, मुंह निकालते हैं। मैं समझा था अच्छे, मुझे पता था किस तरीके का इंसान है ये, लेकिन मुझे लगा था कि कम से कम इस्लामिक टॉपिक पे अगर डिबेट करने आएगा ये बंदा, तो कम से कम इसके अंदर इतनी तो कर्टिसी होगी कि भाई ढंग से बात करे। लेकिन जो चीज गटर है वहां से तो गंदगी ही जाएगी उधर, और नीचे के सुराख से जो है वो गंदगी ही निकलेगी। तो इनका मुंह नहीं है, इनका वो पीछे का सुराख है जहां से गंदगी निकलती है। इसके अलावा जो मुझे एक पॉइंट रखना था, जो मैंने रखा था, और मुझे पता था कि इनका करियर यही खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट अगर ये मान लेते हैं तो ये 5 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे हमारे सामने। और वैसे ही हुआ, जो मैंने एक पॉइंट रखा था, पॉइंट नंबर 6 या 7, कि आप डिबेट के दौरान कोई भी दूसरे रिलीजन का या रिलीजियस बुक का हवाला आप नहीं देंगे, क्योंकि टॉपिक जो है वो इस्लाम पे है तो सेंस ही नहीं बनता। लेकिन इसके बिना ये कुछ कर नहीं सकते। हमने एक डेढ़ साल से आप लोगों को क्या बताया, इस्लाम बैसाखी के बिना खड़ा हो ही नहीं सकता है। और इनकी बैसाखी क्या है, दूसरी रिलीजियस किताब, दूसरे धर्मों का हवाला देना। करियर खत्म हो गया इनका, इनके अंदर जरूरत ही नहीं होगी। और मैं फिर से एक बार मौका देता हूं आपको, अगर आपको हिंदुइज्म पे बात करना है, मैं तो हिंदू नहीं हूं, मुझे आप संगी RSS ये सब बोल के क्या होगा, थोड़ा तसल्ली मिल जाती है तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपको हिंदुइज्म पे भी एतराज है, लगता है उसमें प्रॉब्लम है, तो वो एक अलग से मैं डिबेट सेट कर दूंगा कोई सनातनी के साथ, और उसके साथ आप डिबेट करिए। राम सीता जी की जो मैरिज है उस पर डिस्कशन करिए, कोई मुश्किल नहीं। नियोग पे कर लीजिए, ब्रह्मा और वो जो आप जितने हवाले देते हैं उस पर कर लीजिए। हमारी जो डिबेट होगी उसमें आप सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पर बात करोगे। क्या ये मामला है कि आप जो है वो रेडी नहीं हो रहे, तो किधर ना किधर खोट है, और दुनिया ने देखा और वाकई में खोट है। बैसाखी के बिना आपका काम कभी जिंदगी में नहीं चलने वाला। तो इन्होंने जो बाकी चीजें कही है वो मैं बता दूं कि इन्होंने एक पॉइंट ये कहा था कि दोनों चैनल पे चलना चाहिए, रेडी है हम, हमारे चैनल पे भी लाइव चलेगा। आप OBS स्टूडियो करके एक एप्लीकेशन आता है वो खरीद लीजिए और अपने चैनल पे चलाइए। और अगर आपको गाली भी देना है तो हम जो अपने चैनल पे चलाएंगे और StreamYard का जो लिंक आपको देंगे उसको म्यूट करके अपने चैनल पे जो लाइव चलेगा उसमें गालियां दीजिए। वैसे भी आप मेंटल केस है, गाली के बिना आपका काम चलता नहीं है, तो गाली दीजिए, चिल्लाते जाइए, सुकून लेते जाइए म्यूट करके उधर, तो आप अपने चैनल पे चला सकते। दूसरा एक्सेस सिर्फ एक ही के पास होता है, क्योंकि StreamYard का जब हम सेट करेंगे तो हमारे पास ही होगा एक्सेस। और हम ये कह रहे हैं आपको कि अगर हमने आपको म्यूट किया ये हमारी हार होगी, तो डर किस बात का है, आप लोग इतना घबराते क्यों हो। और दूसरी बात, ये एक चीज हो गई कि दोनों चैनल पे चलेगा, मंजूर। दूसरा इन्होंने कहा कि 3-3 मिनट करते हैं ज्यादा बेहतर है, मंजूर। इन्होंने अपने अब्बा जान डॉक्टर जाकिर नायक MBBS साहब को लाने से मना कर दिया, क्योंकि ये उनकी चाटते हैं लेकिन वो इनको भाव भी नहीं दे रहे होंगे, डॉक्टर जाकिर नायक MBBS, तो लाएंगे कहां से। बट ये चाटते उनकी, और हमने देखा है कई बार। ठीक है, आप आ जाइए, कोई मुश्किल नहीं, आप किसी दूसरे आदमी को लेके आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक चीज, 3 मिनट आपके, 3 मिनट हमारे, हम म्यूट नहीं करेंगे आपको, अगर म्यूट किया तो हमारी हार। और एक चीज ये, इन्होंने कहा कि ठीक है गाली गलौज नहीं होगी, लेकिन हम आपको मुर्तद निसार कहेंगे या संगी निसार कहेंगे। मुर्तद निसार कह लो, संगी तो मैं हूं नहीं, मैं कोई हिंदू तो हूं नहीं, मुर्तद निसार कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इस्लाम छोड़ा है तो मुर्तद आप कह सकते हैं। और हमको आप एक जाहिल और मेंटल पेशेंट लगते हैं, इसलिए आप हमें मुर्तद निसार कहना, हम आपको जाहिल,
मेंटल इलिया सराफुद्दीन कहेंगे, दोनों साइड से तय हो गया, कोई मुश्किल नहीं, तो ये भी तय हो गया। और दूसरा आप कह रहे हो कि मुझे ईमेल नहीं भेजा आपने, भाई मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाया था वो ईमेल का ही लगाया था। अब इतना तो पढ़े लिखे आप होंगे नहीं, पढ़े लिखे पता नहीं किधर से कॉपी करके आपने पास कर लिया होगा जो भी आपकी एडुकेशन होगी। ईमेल ईमेल पढ़ने आता भी है क्या? नहीं आता है मेंटल इलियास सराफुद्दीन साहब, अपना ईमेल चेक करिए, मैंने ईमेल भेजा है। वो जो स्क्रीनशॉट मैंने कम्युनिटी टैब में लगाया है वो असल में ईमेल का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, और साथ ही में मैंने वो वर्ड्स मतलब टेक्स्ट में भी डाला है ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो दोस्तों, ये जो मेंटल जाहिल इलियास सराफुद्दीन साहब है, ये कभी जिंदगी में बिना बैसाखी के ये हमारे साथ डिबेट मुनाजरा नहीं कर सकते। ये इनको मैंने लास्ट ऑप्शन दिया है, और इसके बाद इन पे हम ऐसे जाहिलों पे मेंटल केसों पे हम वीडियो बना के अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। जब भी इनको लगता है कि ये स्टैंड अलोन इस्लाम पे बात कर सकते हैं, इस्लाम को सच्चा अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कैरेक्टर है उनको वो अच्छा साबित कर देंगे, इंसानियत के मुताबिक साबित कर सकते हैं बिना किसी बैसाखी का सहारा लिए, हम मौजूद है, आपका इस्तकबाल करेंगे। तो ये कुछ बातें थी। वैसे तो मुझे 99.9% यकीन है कि ये नहीं आएंगे बिना बैसाखी के, लेकिन अगर इन्हें मंजूर है, क्योंकि हम ऑप्शन भी दे रहे हैं, हिंदुइज्म का भी आपको हम ऑप्शन देंगे, डिबेट करवाएंगे, लेकिन वो अलग से, इसमें सिर्फ इस्लाम पे बात होगी। तो अगर आप आना चाहते हैं, आपके लिए मैदान खुला है, आपकी शर्तों को हमने मान लिया, सिर्फ एक शर्त जो है वो हमने कह दिया कि आपको दूसरी किताबों का हवाला देने को नहीं देंगे हम, और इसके बिना आप चल भी नहीं सकते। उम्मीद करते हैं कि ये आए, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि इन गालीबाज और मेंटल जो मेंटली रिटार्डेड इंसान है, जो नफरत और नफरत फैलाते हैं, इनको लोग देखें और समझें कि इनके जैसे लोगों के ऊपर आप भरोसा कर रहे हो इस्लाम को जिताने का। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।